आपको सुबह बताया था कि हम आपको लाडवा मथाना और पिपली की हमने लाइव तस्वीरें आपको दिखाई आज किसान आंदोलन को लेकर, तो इस वक्त हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र झांसा रोड पर जहाँ सीधी मार्केट बाज़ार की तरफ जाती है, पूरी मार्केट का लाइव आपको हम दिखाएंगे और उसके बाद हम लेके चलेंगे जहाँ पर किसान सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं अपने इन तिलक काले कानूनों को सरकार के द्वारा माफ़ करवाने के लिए उनके पास बैठे हैं कि इस काले तीनों काले कानूनों को वापस ले सरकार। इसके लिए हम आपको पूरे लाडवा इसकी कुरुक्षेत्र की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर बंद का असर क्या है, मिला जुला असर है या प्रॉपर बंद है या बिल्कुल भी कोई असर नहीं है। आपको लाइव तस्वीरों में स्पष्ट और वास्तविकता से दिखाएंगे कि यहाँ क्या असर है। तो देखिए आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ दुकानें बंद हैं और कुछ दुकानें खुली हुई हैं। लगभग मिला जुला सा असर देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि दुकान जैसे अभी आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ दुकानें किसानों के साथ और कुछ नहीं है, तो इस तरीके से एक ना मिला जुला असर आप लोग देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो अभी लाइव तस्वीरें हम आपको आगे की भी दिखाएंगे, मेन बाज़ार के बीच में लेके चलते हैं आपको। और तो देखिए आप देख पा रहे हैं इस वक्त लाइव तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से आपकी यहाँ पर मिला जुला सा एक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आधी दुकानें बंद हैं और आगे आधी खुली हुई हैं, मतलब यहाँ के लोग जो है किसानों के साथ पूर्ण समर्थन में नहीं हैं। कुछ मिला जुला सा असर पूरी मार्केट के अंदर, आधी दुकानें खुली हुई आधी दुकानें बंद हैं, ना के बराबर का समर्थन जो बंद है वो भी शायद किसी डर की वजह से बंद हो सकती है या यूँ कहिए सुबह के समय बंद होने के बाद दोबारा नहीं खोली। जिस तरीके से इस पूरी मार्केट के अंदर निकलने की जगह भी नहीं होती थी उसको देखते हुए लग रहा है कि बंद लगभग 70% का बंद तो लग रहा है यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरों के अंदर हमारे चैनल के माध्यम से आपने कुरुक्षेत्र मेन बाज़ार झांसा रोड से जो सीधा मेन मार्केट की तरफ निकलते हुए ये यूनिवर्सिटी रोड पर जाता है मेन रोड पर, आप 20 बाज़ार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये एक बहुत ही बिजी व्यस्त रोड है कि इस रोड पर कभी पैदल चलना भी मुश्किल होता है, मगर आज हम बाइक के साथ भी इस रोड पर निकल रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे यहाँ से क्षेत्र मेन मार्केट के बीच में से जो दुकानें खुली हुई हैं उनका सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं। बोलो नहीं, मार्केट के अंदर लगभग मिला जुला सा असर नज़र आ रहा है कि आधी दुकानें बंद हैं और आधी दुकानें खुली हुई हैं। जैसा कि शहर लाड़वा के अंदर सब्जी मंडी प्रॉपर रूप से बंद थी, बिल्कुल पूरा विरोध था उस चीज़ के लिए, मगर यहाँ ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पूरे तरीके से भरपूर तरीके से यहाँ पर पूरी मार्केट खुली हुई है और आगे भी पूरी मार्केट को आपको दिखाएंगे यहाँ पर। और जो मार्केट है बीच में कपड़ा मार्केट होगी या यूँ कहिए और करियाना वगैरह की जो दुकानें हैं उनके साथ क्या असर है, बाकी सब्जी के मामले में भी कह सकते हैं कच्चा सामान है इसको ख़राब हो जाता है, तो खुली हुई है तो ये बहुत अच्छा इनका नुकसान बच जाएगा।
आगे भी आप देख पाएंगे लाइव तस्वीरों के अंदर बाज़ार का पूरा हाल। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बंद है वो कामयाब है या नहीं है पूर्ण तरीके से, जो आधी अधूरी दुकानें खुली हुई हैं जिनके आधे शटर हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल ही लगता है दुकानदारों का। पूर्ण समर्थन के साथ दुकानें नहीं बंद की गई हैं, डर के माहौल में। देखो रोज़गार हर किसी को चाहिए, अगर रोज़गार में दिक्कत होगी तो कैसे करेंगे लोग। आधी आधी दुकानें खोली हुई हैं, शायद ये एक डर का ही माहौल है कि आधी दुकानें खोल के बैठे हैं कि जब कोई बंद करवाने आएगा तो बंद कर लेंगे, क्योंकि अगर रोज़गार ही नहीं रहा तो क्या करेंगे लोग। आज कोरोना की मार के बाद लोग काफ़ी तंग हैं कि एक साल के बाद भी अब फिर ये माहौल शुरू हो गए, अभी आंदोलन शुरू हो गए। पहले कोरोना की वजह से बाज़ार नहीं खुल रहे थे, अब आज आम आदमी यूँ परेशान है कि आंदोलन की वजह से जो देखता है बाज़ारों को बंद करवाता है कि आखिर बाज़ार बंद क्यों है, क्यों करवाए जा रहे हैं बाज़ार बंद। देखिए लगभग मिला जुला सा ही असर लगता है बंद का और खुलने का, आधा खुला आधा बंद यूँ कहिए। बिरला मंदिर चौक पर इस वक्त आ चुके हैं, यहाँ की विलाई तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि यहाँ का क्या माहौल है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हरियाणा मीडिया न्यूज़ के माध्यम से, कि यहाँ क्या असर है बंद का। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इस वक्त यहाँ खड़ी हुई है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। कोई ज़्यादा खास माहौल नहीं है यहाँ पर बंद का, आप देख ही पा रहे हैं हमारे साथ लाइव तस्वीरों के अंदर। दुकानें बंद भी हैं और खुली भी हुई हैं, हमने कुछ आधे दुकानों के शटर उठाए हुए हैं, दुकानदार दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं अभी। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं यहाँ से रेलवे रोड की तरफ, जहाँ कुछ किसानों ने सड़क के ऊपर मोर्चा लगाया हुआ है। सड़कों की हालत भी गहरे बन चुकी है, देखिए लगभग स्पेयर पर मार्केट है, ये भी लगभग खुली हुई है सारी यहाँ पर।
रेलवे रोड की मार्केट है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये लगभग कुछ बंद ही है यहाँ पर, वही बात की मिला जुला सा असर बंद का नज़र आ रहा है। बंद का कोई असर यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, ग्राहक भी लगभग घूम ही रहे हैं, जबकि पता था ग्राहकों को कि यहाँ पर बंद है, मगर लोग अपने घरों से सामान वगैरह लेने के लिए निकले हुए हैं। तो होटल्स भी देखो खुले हुए हैं, लोगों के लिए खाने पीने का जो इंतजाम यहाँ पर है सब चल रहा है, एग्जिट ही चल रहा हुआ है, यहाँ कोई देखने का असर नहीं है, यहाँ बंद कुछ नहीं है, यहाँ पर सभी दुकानें प्रॉपर रूप से खुली हुई हैं, कुछ भी बंद नहीं है। तो कैसे कहेंगे कि लोग खुश हैं आंदोलन से, क्योंकि पहले ही लोग कोरोना की मार झेल रहे थे, इस वजह से बाज़ार बंद थे। तो आज बेरोज़गारी के असर से ये लगाओ कि सारा बाज़ार खुला ही हुआ है, कोई समर्थन देने को लगभग तैयार नहीं है। मथाना, पिपली और अब कुक्षेत्र कोई खास बंद नहीं, मथाना और पिपली तो बिल्कुल प्रॉपर ही खुला हुआ था, मगर कुक्षेत्र में एक मिला जुला सा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं। इस वक्त हम कुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के आसपास हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ की मार्केट सारी ही खुली हुई है, कुछ भी यहाँ बंद नहीं है। मेन मार्केट में थोड़ा असर दिखा था, मगर यहाँ पर कोई असर नहीं है, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल प्रतिदिन की तरह, रोज़मर्रा की तरह यहाँ पर पूरा खुला हुआ है, कुछ भी बंद नहीं है, है? पूरा रेलवे स्टेशन तक आ चुके हैं, यहाँ पर कोई बंद का असर नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि किसानों के आह्वान के बाद कुछ भी बंद नहीं है। यहाँ पर कोई भी दुकानें बंद नहीं है, तो आपने देखा हमारी इस लाइव तस्वीरों में, तो धन्यवाद। आगे भी आपको कोई लाइव वीडियो ज़रूर दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे मीडिया चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।